नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जूले और गुड इवनिंग। मेरा नाम मेनका हंडू है। मैं आप सब देखने वालों का तहे दिल से अश्विन कशुरजान के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। सबसे पहले देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनके हमारे पहले एपिसोड को आपने बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं भेजी हैं अपनी ईमेल्स, कमेंट्स, लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्रिप्शन की शक्ल में। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ऐसे ही बहुत सारा प्यार और दुआएं भेजते रहिए। आज आपको बताते चलूं कि लाइव एपिसोड है। आप जैसा कि आप जानते हैं, एडिट की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए किसी भी भूल चूक के लिए पहले ही माफी। सेशन के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपको कहानी सुनाऊंगी उस जगह की जिसे लोग जन्नत कहते हैं और हम घर कहते हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगी और दो मेहमान। आहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लड़कियां हैं, मुझे लड़कियों की जो है एंट्रीज ज्यादा आई हैं, इसलिए मेरे पास लड़कियां ज्यादा हैं, तो इन एपिसोड्स में आपको लड़कियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। बिना वक्त जाया किए आपकी भरपूर तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगी अपनी दो मेहमानों को। लड़कियां हसास हैं, थोड़ी सी संजीदा हैं और दोनों ही अपने कश्मीरी होने पर बहुत फख्र महसूस करती हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हरीम मंजूर को, जो हमारे साथ जुड़ेंगी कश्मीर से, और आद्या ककरू, जो हमारे साथ बात करेंगी मलेशिया से। मुझे 5 सेकंड का वक्त दें और मैं इन बच्चों को ऐड करूं। एक सेकंड। हमने हरीम को रिक्वेस्ट भेज दी है और अब हम ऐड करेंगे आद्या को। हरीम, एक्सेप्ट करें रिक्वेस्ट। हरीम, एक सेकेंड। और दे, मैं जरा दूसरी बच्ची को भी रिक्वेस्ट भेजूं। हरी, मैं एक्सेप्ट कीजिए। नमस्कार, आराध्या, आदाब। हरीम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हम आवाज ठीक आ गई? बढ़िया। हेलो, चलिए जान को आगे बढ़ाते हैं और इन दो बच्चों का आपस में इंतजार करते हैं, इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करेंगे इनके तारुफ से, इंट्रोडक्शन से। सो वी विल स्टार्ट विद हरीम। जी बिल्कुल। हेलो एवरीवन, आदाब। माय नेम इज हरीम मंजूर एंड आई एम एक्चुअली फ्रॉम क्लास 8 और मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ। मेरी हॉबीज है लिखना, मुझे गाना गाना भी बहुत पसंद है और मुझे खाना पकाना भी बहुत पसंद है। आई लव कुकिंग एज वेल। क्या बात है, क्या पकाते हैं आप? मुझे बहुत पकाना आता है। सबसे अच्छा जो मुझे पकाना आता है वो हरिसा है, जो कि हमारा ट्रेडिशनल है। पानी, वही वही रुकिए, इससे पहले मैं खाना ढूंढने लग जाऊं, आप रुक जाओ। हम जाते हैं आद्या पर। आद्या, अपना इंट्रोडक्शन दे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आद्या है, मैं भी 8th क्लास में हूँ एंड मैं अभी मलेशिया में हूँ और मेरी हॉबीज है रीडिंग, राइटिंग एंड पोएम्स। आई लव राइटिंग पोएम्स एंड आई आल्सो रियली लाइक रिसर्चिंग। वेरी नाइस। डू यू कुक एज वेल? आई बेक। वाओ, क्या बात है। देखिए, मैंने इनके इंट्रोडक्शन में भी कहा था बहुत मल्टी टैलेंटेड लड़कियां हैं, आपने सुन ही लिया होगा, कितना कुछ करती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, खाना बनाती हैं और अपने ग्रेड्स भी इनके बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात। जैसे मैंने आपको कहा कि लड़कियां थोड़ी सी संजीदा हैं, तो हम शुरुआत करते हैं एक हल्के फुल्के सवाल के साथ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम शुरू करेंगे हरीम के साथ। हरीम बेटा, आपके कोई कश्मीरी पंडित फ्रेंड्स हैं वैली में? जी है, जी एग्जैक्टली, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी है
और मेरे मतलब रिलेटिव्स में भी हम बोलेंगे, बहनें वगैरह वो भी है बहुत सारे। ओके, नहीं मैं कश्मीरी पंडित फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, वहां कोई कश्मीरी फैमिली जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो? बिल्कुल जी है। ओके, कुछ बताइए उनके बारे में, क्या उनके घर आना जाना होता है, क्या खेलते हैं उनके बच्चों के जी साथ, कैसा बिल्कुल रहता है? जी बिल्कुल। वो मम्मा के फ्रेंड एक्चुअली, हम उनके घर आते जाते हैं, आना जाना हो जाता है। कुछ फर्क लगता है उनके रहन सहन में और अपने रहन सहन में? ऑनेस्ट जवाब, नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्या बात है। चलिए आद्या, आपसे पूछते हैं, आपके कुछ कश्मीरी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं? नॉट कश्मीरी मुस्लिम फ्रेंड्स, बट मुस्लिम फ्रेंड्स है, बिकॉज मैं एक्चुअली एक मुस्लिम कंट्री में रहती हूँ। सो बेसिकली ऑल द फ्रेंड्स आई हैव देयर ऑल मुस्लिम, सो फर्क यस। लगता है, कुछ फर्क लगता है, या आपको लगता है कि नहीं फर्क लगता? क्या बात है। मुझे, मैं आप दोनों बच्चों से पूछना चाहूंगी, एक एक करके जवाब देंगे। जो एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट होता है जहाँ बहुत सारे कल्चर्स के लोग रहते हैं, आपको लगता है वो जरूरी है किसी इंसान के लिए ऐसे कल्चर में बड़े होना? जी आई बिल्कुल थिंक डेफिनेटली जी बिल्कुल जरूरी इम्पोर्टेंट, है। ओके बिकॉज बहुत चीजों के बारे में सीखते हो आप, किसी का लाइफस्टाइल सीखते हो, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जी बिल्कुल डेफिनेटली तो इम्पोर्टेंट मैंने है। सुना था आप किसी ऐसे प्रोग्राम का भी हिस्सा थी जहाँ? एक हमारे स्कूल ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें आप फॉरेन स्टूडेंट से मिल सकते हो, जैसे स्पेन, यूएई और ऐसी कंट्रीज के बहुत सारे स्टूडेंट्स से आप मिल सकते हो। उसमें 8 सेशंस थे, इट लास्टेड फॉर 8 वीक्स, इट वाज सुपर फन। और उधर से ही मेरा आइडिया आया कि मैं यहाँ पे भी आऊँ। एक्चुअली इट्स वेरी सिमिलर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब हरीन से पूछते हैं और ऑनेस्ट जवाब चाहिए, और हरीन थोड़ा सा जोर से बोलेंगी क्योंकि आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं बेटा, कि जो मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट होता है आपके आसपास, दूसरे भी ट्रेडिशंस मानने वाले अगर लोग आपके साथ रहें, तो आपको क्या लगता है, ये क्या एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, क्या ये अच्छा रहेगा? जी बिल्कुल ये बहुत अच्छा रहेगा अगर हम मल्टी कल्चर रहे, मतलब सब, इनफैक्ट अगर हर एक रिलीजन एक साथ रहे बहुत अच्छा रहेगा। और मान लीजिए आपकी पड़ोसी मैं बन गई अगले 2-3 सालों में, जी वो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और आद्या को भी बुला लेंगे एक एक ही ज्यादा कॉल, अच्छा अच्छा रहेगा। रहेगा, तो अच्छी बात है। चलिए गुड। मैं आपको अपना बताऊं, मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है जिसे सेंट्रल स्कूल कहते हैं, तो वहां पे मुल्क के सारे कोनों से बच्चे आते थे, तो काफी अच्छा लगता है। यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, आपको बहुत कुछ पता लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में पलते हैं, बढ़ते हैं, तो आपको एक्सेप्टेंस बहुत आ जाती है, बहुत चीजें सही गलत करके उसमें डिविजन नहीं करते आप चीजों का, आप में बहुत एक्सेप्टेंस आ जाती है बातों की, कल्चर्स की। वेरी गुड। सबसे अहम सवाल, क्या आपको कश्मीरी आती है? शुरुआत करेंगे हरीम से। जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत आती है, बोलनी तो आती है थोड़ी बहुत, समझ तो पूरी आ जाती। समझ पूरी आती है, बोलनी थोड़ी बहुत आती है। स्कूल में किस जबान में बात करते हैं हरीम? हम ज्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ, इसीलिए। ओके, आद्या? मेरा मेरे को कश्मीरी बोलनी नहीं आती है एक्चुअली, आई डोंट टॉक इन कश्मीरी एज वेल सो, बट जब कोई कुछ बोल रहा होता है तो मुझे पूरा समझ में आता है और मैं रिएक्शन भी देती हूँ, बट आई डोंट रिप्लाई इन कश्मीरी, विच रिएक्शन मुझे कभी कैसे देती हैं? कि हाँ नहीं वो सब होता है, बट बोलती नहीं हूँ बिकॉज मेरे से निकलता ही नहीं है कश्मीरी में बोलना एक्चुअली। एंड कश्मीरी देन में लगता है कि मेरे को उतना नहीं आता जितना पता है मुझे आना चाहिए, बिकॉज कश्मीरी हूँ सो अब मुझे और आना चाहिए एटलीस्ट डेफिनेटली। दैट इज ऑन। तो आपको लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है? डू यू अग्री विद मी कि ये अच्छी बात नहीं है? हमारा कल्चर है जिसकी रीढ़ की हड्डी, मुझे हमेशा लगता है कि जबान है, अपनी जबान आनी चाहिए, अपनी जबान में बात करनी आनी चाहिए। हरीम भी कह रही है कि मुझे बहुत फ्लुएंटली नहीं आती, लेकिन समझ आती है और मैं बहुत समझती हूँ। देखिए, आप जानते हैं ये हमारा सेकेंड एपिसोड है, जो पहला एपिसोड था उसे लोगों ने बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है उन बच्चियों को भी और मुझे भी, और लेकिन एक शिकायत जरूर की है, और जो शिकायत जायज है
कि बच्चे कश्मीरी में बात नहीं करते, या मैं जब उनसे सवाल कुछ पूछती हूँ, उनकी आपस में बात कराती हूँ, तो कश्मीरी जबान का हम इस्तेमाल नहीं करते। अब उनकी मैंने जैसे कि कहा कि शिकायत बहुत जायज है क्योंकि हम कश्मीरी हैं, हमें अपनी जबान आनी चाहिए, लेकिन मेरी परेशानी ये है कि मैं तो बोलूं लेकिन बच्चे वापस बात नहीं कर सकते, क्या वो समझ नहीं सकते। इसलिए अपनी जबान को वो प्यार और वो इज्जत देने के लिए जिसकी वो हकदार है, हर एपिसोड में हम एक छोटा सा सेगमेंट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे रखा है हमने सिर्फ कशुर। ठीक है, उसमें आप या तो मुझे कश्मीरी में कोई कहानी सुनाएं, कश्मीरी में मेरे साथ बातचीत करें, सवाल पूछें, या कोई गाना गा के सुना दें, लेकिन करेंगे कश्मीरी में। इससे होगा कुछ नहीं, हम बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि हमें इस जबान की बहुत इज्जत है और ये बहुत इज्जत के लायक है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस जबान का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी आप दोनों बच्चों से, यू कैन चूज टू आंसर हु एवर वांट्स टू गो फर्स्ट। आपको लगता है कि अगर आप ज्यादा कश्मीरी सुने, यानी आपके आसपास के जो बड़े हैं अगर वो कश्मीरी में ज्यादातर बात करें तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी? जी बिल्कुल पेरेंट्स आपस में अगर ज्यादातर कश्मीरी में आपके सामने बात करें तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि यस डू एग्री विद मी। तो मैं सुनने वालों से भी बोलना चाहूंगी कि आप सारा जो दोष है अंत में बच्चों पे डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो कश्मीरी सुनते ही नहीं है तो कैसे उनको जबान आएगी? आप दोनों बच्चों ने बात की, पहले हम अपना सिर्फ कौशल सेगमेंट आगे बताते हैं, उसके बाद आपकी सलाहियतों पर आते हैं। तो सिर्फ कशुर में मुझे आद्या कुछ कश्मीरी में कुछ भी कुछ में कभी आपने अपने बड़ों से कुछ सुना हो मुझे वो सुनाइए। राइट एक लाइन थी, एक पोएट ने लिखी है, उसका नाम वो है, न्याय त्रयविव माय थविव पानविन पोज महोगत बोग्रविव पानविन। दिस मीन्स कि क्या न्याय बात, छोड़ और पॉजिटिविटी और लव अपना सब पे डिस्ट्रीब्यूट करो। सो इट्स अ क्या वेरी बात है, पॉजिटिव। देख गुड मैसेज, वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई योर प्रोनाउंसिएशन वाज ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर अ गर्ल हु डज नॉट स्पीक इन कश्मीरी एट ऑल। सो दिस इज द स्टार्ट। आप और आप पढ़ेंगे, आप और कोशिश करेंगे, यानी कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। ठीक, हम हरीम पे आते हैं। जी मैं एक गाना ही बताएंगे या राइम बताए कश्मीरी में गाती हूँ। बुक्कुस बुक्कुस तिलवन सुक्कुस अन्नम बत्तुक लद्दुम देख शाल किच किच मांगयम ब्रिम जिहारस पोंछे क्यों डिक्कस बाया ट्योका छुई हो राजन उन्नम क्या बटूर सुबोरम जजीरे राजन उन्नम क्या बटूर सुबोरम जजीरे नचने का ब्यूठम बोलने जजीर बीठम नचने का ब्यूठम बोलने हच्चे किचम लच्चे टास मेहनत मसल सब सास सुकुस बुकुस तेलवन सुकुस ग्रेट नाइस, बहुत ही खूबसूरत। मच। अभी आद्या ने हमें दो लाइनें सुनाई थी, वो बेसिकली हमारे बहुत अच्छे जाने माने पोएट हैं कश्मीर के, उनका नाम है गुलाम अहमद शाह मेहजूर साहब। और आप दोनों बच्चियों ने ये भी बताया शुरू में कि आपको पोएट्री का शौक है, तो मैं आपको मेहजूर साहब के अलावा आपको बता दूं, जिंद कौल जी, दीनानाथ नदीम जी, अब्दुल अहद आजाद जी, ये हमारे कश्मीर के बहुत अच्छे पोएट्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनका सुने जो ये बोला है इन्होंने, जो लिखा है। और जबान अगर समझ में भी नहीं आती, हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं तो आपके पास गूगल ट्रांसलेटर है तो आप उसका मतलब भी समझ सकते हैं, और ऐसी चीजें जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपकी जो जबान है वो उस पे भी आपकी महारत हो जाएगी। ठीक है, प्रॉमिस ओके यू ट्राई टू स्पीक इन कश्मीरी एटलीस्ट। अब ये मुझे कश्मीरी में बोलना चाहिए ना, कशिर पट करे कात कशिर से सोन जबान इशारिया मीर जबान कशिर से ऐसे देखो आज ऐसी यजत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अपने तारुफ में बताया था कि आपको पोएट्री लिखने का बहुत शौक है, तो सिर्फ सुनने का शौक है या लिखते भी हैं? लिखते भी हैं मेरे ख्याल से, इज दैट व्हाट यू सेड? ओके, तो कुछ लिखा है अभी तक दोनों ने? बहुत हाँ, लिख
लिखा है। बढ़िया, तो मैं चाहूंगी हम शुरुआत करेंगे हरीम से। हरीम, हमें अपना लिखा हुआ कुछ सुनाइए, उसके बाद हम आद्या पे आएंगे और आद्या अपनी कोई लिखी हुई पोएट्री हमको सुनाएंगे, ठीक है हरीम? मैंने पोएट्री लिखी थी सुपर हीरो पर। एक्चुअली आपको आगे समझ आ जाएगा क्यों मैंने असल में किसको डेडिकेट कर चुकी हूँ। मैं वो बताती हूँ। ये दुनिया पैसों के पीछे और सुपर हीरो मेरे लिए पैसे कमाए जा रहा है। अपनी ख्वाहिशों को बंद डिब्बे में रखकर मुझे आराम की जिंदगी दिए जा रहा है। हर रोज चाहे सर्दी हो या गर्मी, बिना कोई गर्ज मेरी खुशियां ढूंढे जा रहा है। रात को उनको थका हुआ पाकर मेरा दिल बेचैन हुए जा रहा है। मुझे सोया हुआ देखता रहता है अक्सर, ना जाने क्या सोच मुस्कुराए जा रहा है। या रब वो दिन मुझे जल्दी से दिखला दे, मैं मेहनत करूं और वो खुशियां पाए जा रहा है। मेरे सुपर हीरो मेरे बाबा, बिना कोई मतलब मुझे सब कुछ दिए जा रहा है। ये दुनिया पैसों के पीछे और सुपर हीरो मेरे लिए पैसे कमाए जा रहा है। तो आप अपने फादर को बाबा बुलाती हैं घर में? जी बिल्कुल, आपने अपने फादर के लिए लिखी है, बहुत खूबसूरत। ऐसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार रहना चाहिए उन चीजों का जो हमें मिली है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो सब नसीब नहीं होता जो हमें नसीब हुआ है। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत लोगों के पास खाने को खाना नहीं, तो शुक्र करना बहुत जरूरी है लाइफ में, इसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं। बहुत खूबसूरत हरी, कम टू आद्या। आद्या कुछ सुनाइए। तो मैंने एक्चुअली जैसे अपने इंट्रो में बताया था कि मुझे रिसर्चिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट कश्मीर। मैंने अभी पोएम लिखना थोड़ा शुरू किया था थोड़े दिन पहले, बट उसमें मेरी पोएम में एक स्टैंजा है जो मैं बिल्कुल हाईलाइट करना चाहती हूँ। इट्स माई मैसेज टू द वर्ल्ड एंड इट इज, लेट्स प्रोटेक्ट आवर आउट फ्रॉम दिस केज, डोंट नो, लेट्स कीप, let's protect our heritage and break out from this cage, let's keep our hope alive and we know we'll survive. क्या बात है, it's also a nice message. So that also says, अब आपने हेरिटेज वगैरह की बात की है तो ये अच्छी कि आप ये मैसेज दुनिया को दे रहे हैं, तो आपको खसूस आपको जबान सीखनी पड़ेगी, है ना? Now that you've given this message to the people, right? Now it applies to you also. बहुत बात है। फिर से आपसे एक सवाल, थोड़ा सा संजीदा, थोड़ा सा सीरियस। अब मैं आप दोनों बच्चों को देख रही हूँ, यहाँ कमेंट्स की बौछार हो रही है तो मैं सब तो नहीं पढ़ती, लेकिन बहुत कमेंट्स उन्होंने लिखे हैं कि दोनों बच्चियां जो हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जो अभी तक लोगों को दिख रहा होगा। बच्चों, बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल होते हैं, हमारा फ्यूचर होते हैं। इन दो बच्चों को देखकर आपको लग ही रहा होगा कि हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है, ठीक है? तो व्हेन आई लुक एट बोथ यू गर्ल्स, यू आर वेरी स्ट्रांग वुमेन इन द मेकिंग, राइट? आई कैन सी दैट आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, पढ़ती लिखती हैं, खाना बनाती हैं और बहुत आपकी स्ट्रांग पर्सनैलिटीज है और क्या बोलते हैं, यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन इज व्हाट आई कैन से। तो कोई ऐसी औरतें आपकी जिंदगी में हो जो आप चाहें कि हमें इनकी तरफ बढ़ना है? अभी तो आप बच्चे हो, छोटे हो, लड़कियां हो, तो मेरा ये सवाल है कि कोई ऐसी औरतें हैं आपकी लाइफ में जिनको देख के आप कहते हो हमें इनकी तरफ बनना है, इस लेडी की तरफ बनना है? वी विल स्टार्ट विद आदिया। फॉर मी, मेरा कोई स्पेसिफिक आइडल्स नहीं है, बट मुझे अगर किसी की तरफ बनना है, दैट्स डेफिनेटली माय मॉम, माय ग्रैंड पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड एंड वॉट एवर आई डू आई रियली वॉन्ट टू बी लाइक दैट। ब्रिलियंट, तो आपके आसपास ही बहुत कृपा है मतलब, हाँ आद्या? गुड, ओके, लेट्स कम टू हरी। जी, तो मेरी आइडल एक्चुअली, मैं जब बताऊं तो लोग मत समझेंगे कि मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं लाइव में हूँ एक्चुअली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सच में मेरी आइडल सिर्फ आती है, मुझे लगता है कि नहीं मुझे बनना है तो दिद्दा जैसा बनना है। That is very sweet. That is really sweet, Hari. Thank you very much. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझ में ऐसी कोई काबिलियत है तो आप चाहेंगे आप में आए। अब ये कहते हुए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन मुझे सवाल आपसे पूछना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है मेरे अंदर जो आप चाहते हैं आप मेरी तरफ बने?
मुझे तो लगभग मुझे आपका लगभग सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है आप कैसे लोगों को एंटरटेन करते हैं, आप कैसे बात करते हैं। आपको इनफैक्ट पता है, जब हम कभी घर में बैठे हुए होते हैं तो नानी अक्सर बताती है, मतलब ये जनरल है, नानी बताती है बट कोई मत रो कहाँ वीडियो, मतलब हम सब सब देखना। दैट इज वेरी वेरी स्वीट. अपनी अपनी नानी जी को मेरा नमस्ते, मेरा आदाब कहिएगा. इट्स वेरी स्वीट. आप ऐसी बातें करते हैं, स्पेशली बच्चे जब मुझसे रिलेट करते हैं तो मुझे लगता है मैंने सच में थोड़ा बहुत कुछ तो कर लिया है कि बच्चों को भी मेरी बात समझ में आने लगी है. तो थैंक यू हरीम, दैट्स आई एम रियली टच्ड. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अब हम जान की बात करते हैं. नाम हमने जान लिए, आपको आपकी सलाहियतें क्या क्या हैं वो जान लिया, खाना पका लेते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटीज आप लोगों की हैं. लेकिन जान का जो एक अहम हिस्सा है वो है हमारे अपने ट्रेडिशंस भी. चाहे पंडित ट्रेडिशंस की बात करें, सिख ट्रेडिशंस की बात करें, मुस्लिम ट्रेडिशंस की बात करें, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने किसी एक ऐसे ट्रेडिशन की बात करें ताकि आप दोनों की जान जो है और पक्की हो जाए. ठीक है, ठीक तो कौन शुरू करना चाहेगा? रेज योर हैंड. है जी, मैं ही स्टार्ट हेलो. करती हूँ। ओके ओके ठीक है, ओके, बिल्कुल। गो विद आदिया. वी गो विद आदिया, देन वी कम टू हरी. यस सो आदिया. करूंगी हेरथ के बारे में। इट इज अ फेस्टिवल दैट कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट। सो हेरथ फेस्टिवल है जो लॉर्ड शिवा की मैरिज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। हेरथ के पहले पूरा घर को हम साफ करते हैं। ऑन द मेन डे हमारा फास्ट होता है, पूजा होती है जो पता है 3 घंटे लंबी होती है, इट्स वेरी लॉन्ग। आफ्टर दैट पूजा वी ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कश्मीरी कुजीन, यू नो इट्स वेरी गुड, एंड दैट फूड हैज बीन ऑफर्ड टू द गॉड्स एज वेल। इसके बाद अगले दिन, जिसको सलाम कहते हैं, हमें हेरथ खर्च मिलता है और वो मेरा फेवरेट पार्ट है। आई रियली लाइक आई नो गेट मनी टू स्पेंड। और उसके बाद आई ऑल्सो लाइक कि जैसे हम पूरे घर को डेकोरेट करते हैं, क्लीन करते हैं एंड वी गेट टुगेदर, दैट्स वेरी फन. वेरी नाइस. तो लेट मी ऑल्सो टेल द लिसनर्स, हेरथ कश्मीरी में हम बोलते हैं, इसको वैसे शिवरात्रि भी कहते हैं. कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है. हम लॉर्ड शिवा को बहुत मानते हैं, उनकी मैरिज हम बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं. और जैसा कि आद्या ने कहा कि उस दिन हमें हेरथ खर्च भी मिलता है, यानी कि पैसे मिलते हैं अपने बड़ों से. और हेरथ के अगले दिन को कहते हैं सलाम. और कहा जाता है कि इस दिन जो है हमारे जो कश्मीरी मुसलमान हमारे नेबर्स होते थे या फ्रेंड्स होते थे, वो हमारे घर आते थे, कहते थे सलाम और हमारे साथ खाना खाते थे. क्योंकि अगले दिन हम नॉन वेजिटेरियन खाना बनाते हैं, पूजा वाले दिन ज्यादातर लोग वेजिटेरियन खाना बनाते हैं. और बहुत घरों की जिसे हम कहते हैं रीत रीत होती है, यानी कि उनका ट्रेडिशन होता है कि वो सलाम वाले दिन जो है फिश और लद्रू पकाते हैं. तो बहुत से उनके कश्मीरी मुसलमान दोस्त यही बोलते हैं कि हमें जो हेरथ की गाड़ और लद्दू है उसका हमें इंतजार पूरा साल रहता है. तो ये था आपका कश्मीर. और अब हम आएंगे हरीम पर, लेकिन उससे पहले मैं हरीम से पूछना चाहूंगी, कुछ एक सिमिलैरिटी लगी आपको हेरथ में, कुछ जो वहां होता है तो आपके नहीं, यहाँ भी होता है? मतलब ऐसे तो कुछ लगा नहीं मुझे, मतलब हम तो इसमें से कुछ नहीं करते, बस हेरथ खर्च में कुछ नहीं लगा कि पैसे मिलते हैं इसमें लगा फेस्टिवल? मुझे, उसमें लगा कि हमें ईदी में ईद पे ईदी मिलती है और अरे इसमें वाह, हर कुछ मिलता है। तो आपको भी पैसे मिलते हैं ईद पे. जो आपके कश्मीरी पंडित बाकी बच्चे हैं उनको पैसे मिलते हैं हेरथ पे, उसे हम हेरथ खर्च कहते हैं. ठीक है हरीम, अपने किसी ट्रेडिशन के बारे में बात करें. जी, मैं बात करना चाहूंगी हम जो कश्मीरी होते हैं, कश्मीरी मुसलमान और पंडित भी बहुत सारे, तो हम में होता है ट्रेडिशन आबशारुन। आबशारुन का मतलब होता है इंग्लिश में टेकिंग शार, बताते हैं कि निकाह से पहले आबशारुन होता है। आबशारुन को हम बता सकते हैं, मतलब टेकिंग शार ही ना, हम शार लेते हैं तो उसे हम आबशारुन ही कहते हैं। तो बताते हैं निकाह से पहले आबशारुन होता है, आबशारुन से एक रात पहले होता है मस्त रावण, जिसको हम मस मत रावण भी कहते हैं।
मस्तावन होता है जो लेडीज होती है वो दुल्हन के बालों में बटर से मसाज करती हैं, उसकी बॉडी में घी से मसाज करती हैं। फिर अगले दिन आबशेरन होता है। कहते हैं कि आबशेरन उनके बाद दुल्हन उतनी ही पाक होती है जितना एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। आबशेरन के बाद दुल्हन फेरन पहनती है, मतलब जिसका कुराब जो होता है ना खुला छोड़ देना होता है, वो बंद नहीं करना होता, खुला छोड़ देना होता है। फिर दुल्हन 2 रकात नमाज पढ़ती है और कुरान शरीफ की तिलावत करती है। बोला जाता है कि मतलब जो दुल्हन होती है वो जो भी दुआ उस टाइम पर करेंगी आबशेरन के बाद, जो भी दुआ करेंगी वो सारी कबूल हो जाती है। क्या बात है। तो आज हरीम ने सीखा है हैरत के बारे में और आद्या ने सीखा है आबशेरून के बारे में, जो ब्राइड की एक रस्म होती है उसकी शादी होने से पहले। ठीक बोला ना मैंने? ठीक है, जी एक्चुअली ओके, मैंने गुड। भारत अटेंड भी किया है, मैं गई थी ओ एक बार मामा के साथ उनके फ्रेंड के घर, तो वहां उस टाइम अच्छा, हैरत थी, तो मैंने किया है अटेंड, ये किया है, मैं गई हूँ। क्या ओके बात है। वो जो आज जिनकी जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था, जो वहीं रहते हैं। जी बिल्कुल जी ओ, क्या बिल्कुल बात। तो आपने खाना खाना वगैरह खाया उनके घर पे उस दिन? बिना खाने के मुझे लगता है कोई भी बड़ा ओकेजन पूरा ही नहीं होता। जब तक खाना अच्छा ना हो वहां पे, मुझे लगता है हमने सेलिब्रेट ही नहीं किया है ना। हाँ जी ओके, अरे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जहां भी आप कमरे में बैठी हैं वहां पीछे शायद ये वुडन वॉल है ना, ये वुड वुड का बना हुआ है आपके पीछे। तो जी मैं बिल्कुल सुनने वालों को भी और स्पेशली उन लोगों को, उन बच्चों को और बड़ों को भी ये याद दिला दूं कि ऐसे होते हैं हमारे कश्मीरी घर। ज्यादातर जो है पीछे वुड लगा होगा आपकी जो दीवारें हैं, और कई घरों में जो स्टेयर केसेस होते हैं वो भी वुडन होते हैं। ठीक जी है, तो होते अरिन क्या हम आपसे गुजारिश कर सकते हैं, आप हमें थोड़ा सा अपना ये रूम दिखाएं, अपना घर दिखाएं, जी ताकि बिल्कुल आद्या भी जी देखे कि कश्मीर में कैसे घर होते थे और कैसे स्टाइल होता था पहले। बिल्कुल श्योर 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 प्लीज। अरे वाह, ओके, इट्स ब्यूटीफुल। एक वेरी मिनट प्रिटी। हाँ, दीज आर द देखिए काइंड ऑफ विंडोज, टिपिकल कश्मीरी डोर विंडोज, जो लंबी लंबी विंडोज हैं। Is that snow? क्या Yes, बात है, इज exactly दैट snow. क्या बात, दे लुक Wow. दैट आउट, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। इज दैट गार्डन आउटसाइड, लवली। Yes. सो कैन यू कैमरा अगेन, आई वांट टू सी दैट सीटिंग अरेंजमेंट, जो नीचे बैठे आप लोग। देखिए ओके, सो देखने वाले जो कश्मीर से नहीं है, या वो बच्चे जो बाहर पैदा हुए हैं हमारी आद्या की तरह, ऐसे ही हम नीचे बैठते हैं, और ये जो तकियों का जो कपड़ा ऊपर लगा हुआ है इसे क्रिविल कपड़ा ट्रिपल कहते हैं। ऑलमोस्ट हर कश्मीरी घर में आपको क्रिविल के पर्दे मिलेंगे, या ऐसे जो बेडशीट्स हैं वो आते हैं, या ये जो पिलो कवर्स हैं वो आते हैं। तो यही हमारा, हरीम थोड़ा सा कैमरा घुमाइए बेटा, हमको जी थोड़ी सी और सैर करवाइए अपने घर की। ये देखिए, जब मेहमान भी हमारे घर में आते हैं उनको हम अपने ड्राइंग रूम्स में जैसे लेके जाते हैं, लिविंग रूम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन हमारा बैठने का स्टाइल जो है वो ऐसा है, हम नीचे बैठते हैं। हरीम वापस आ जाइए। जी एक मिनट तो आद्या, आपको हरीम ने अपना घर भी दिखा दिया, कैसे बैठ के वहां पे बैठते हैं हम नीचे जमीन पे, वो भी दिखा दिया। बहुत खूबसूरत, मुझे नीचे खुद नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और हमारी जैसे मेरे घर में मदर है, तो जिस दिन हमने टिपिकल कश्मीरी खाना बनाया होता है, जैसे हेरथ वाले दिन जो होता है और ऐसे ही बहुत दिन, तो वो हमेशा सजेस्ट करती हैं कि हम नीचे दस्तारखान बिछा के, जिसे हम डाइनिंग शीट कह सकते हैं, वो बिछा के नीचे बैठ के खाना खाएं, हाथ से खाना खाएं, डाइनिंग टेबल पे ना खाएं। तो ये कश्मीरी तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, नीचे बैठना और हाथ से खाना खाना और नीचे बैठ के खाना खाना। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा साफ सुथरा रखा है आपने अपना घर। जी बहुत ही खूब। आपने आप शेर उनकी बात की, आपको पता है उस टाइम पे एक वनवुन भी होता है, वनवुन गाते हैं, जी वनवुन समझते हैं आप? तो एक जी वनवुन जो मुझे पता है, जो मैंने थोड़ा सा सुना है, उसे कहते हैं आप शेरे रुमन 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 लागे जाफिर पोश। आपको समझ आया? जाफिर पोश, पोश का मतलब होता है फ्लावर,
इस वन वुन में भी कश्मीरी मुस्लिम वन वुन अलग होता है, कश्मीरी पंडित वन वुन अलग होता है। जो लोगों जिन लोगों को वन वुन नहीं पता उन्हें बता दूं कि वन वुन जो है, जब भी हमारे कोई ओकेजन्स होते हैं जैसे शादी ब्याह खासकर, तो वहां औरतें अपने एक फोक सॉन्ग्स गाती हैं, उसे वन वुन कहते हैं। कश्मीरी पंडित वन वुन अलग होते हैं, कश्मीरी मुसलमान वन वुन अलग होते हैं। तो ये एक कश्मीरी मुसलमान वन वुन का ही हिस्सा है जो आप शेरु फंक्शन पे लोग गाते हैं। आप शेरे रुमन रुमन तुमन ला गए जाफिर पोश। अब जाफिर पोश जो है वो मैरीगोल्ड को कहते हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर जो होता है येलो कलर का। अब यहाँ खूबसूरत बात ये है कि कश्मीरी पंडितों की जितनी भी पूजा होती है उसमें जाफिर पोश इस्तेमाल होता है, क्योंकि जाफिर पोश या मैरीगोल्ड जो येलो फ्लावर है उसको हम बोलते हैं पुताई पोश, उसको हम बहुत पाक या जैसे हम बोलते हैं श्रूट्स मानते हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है, देखिए वनवुन में भी हमारी कितनी सिमिलैरिटीज हैं। जाफिर पोश का यहाँ पे मेंशन किया गया है। मुझे लगता है जैसे जैसे आगे इसमें हम बढ़ते हैं वनवुन में, तो वो फ्लावर्स चेंज करती हैं, फिर गुलाब आ जाता है, फिर कुछ और आता है, बट शुरुआत वो जाफुर के साथ करते हैं। गुड। तो आपको मालूम था आद्या कि कश्मीरी मुसलमान वनवुन भी होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है हमसे? नहीं। चलो अच्छी बात है, आज मैंने आपको वन वन के बारे में भी बता दिया। ये मुझे इनकी आप शेर उनकी बात से याद आई। आप रहती हैं हरीम कश्मीर में, बहुत खूबसूरत जगह है, देखने में बहुत खूबसूरत है। मुझे बताइए कोई ऐसी जगह जहां आपको सुकून आता, अच्छा लगता? जी, हम स्कूल के साथ अक्सर जाते हैं गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में गुलमर्ग में एक चर्च था, अभी वो ऑर्फनेज है। तो वहाँ जब जाते हैं, वो हमारी रिलीजियस प्लेस भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी वहाँ जाते हैं वहाँ सुकून आ जाता है। वो बहुत अच्छी जगह है। क्या लगता है आपको, कोई किस्सा याद आता हो उससे रिलेटेड जो हमको सुनाना चाहिए? जी बिल्कुल आता है। हम जब स्कूल के साथ जाते हैं तो जंक फूड अलाउड नहीं होता है, तो बहुत सबने जंक फूड लाया था साथ, तो मैम ने वो सारा ले लिया और हमें साथ लिया और ऑर्फनेज पे। तो वहां ऑर्फनेज पे कुछ बच्चे थे, और एक बच्चा दूसरे को बताता था, देखा मैंने कहा था ना एक दिन मुझे भी ये बिस्किट मिलेगा। वो इतना हार्ट टचिंग मोमेंट था, जब जैसे उसने कहा कि देखा मैंने बताया था ना एक दिन मुझे मिलेगा ये बिस्किट। बहुत खूबसूरत कहानी है। तो फिर वापस हम आते हैं ग्रेटिट्यूड पे। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, हम लोग कंप्लेन्स बहुत करते हैं, लेकिन अगर देखने पे आए तो बहुत लोगों के पास जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो भी, तो हमारे पास जो कुछ हमें ऊपर वाले ने दिया है उसका बहुत हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। ठीक है जी, डू यू अग्री विद मी? यस ओके। अब आपका हम दोबारा से अटेंशन लेकर आते हैं अपनी जबान पे। दिस इज द टाइम फॉर टाइनी वीनी क्विज, रेडी? यस जवाब देना यस जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि ये या ये आना या नहीं आना जवाब जरूरी नहीं है। जवाब जरूरी ये है कि जब मैं आपको ये बताऊं इनके मतलब, वो आपको याद रखना है, और आपको इसके बाद कोशिश करनी है कि आप जो कश्मीरी है आप उसको सीखें, बोलने की कोशिश भी करें, सिर्फ समझने के साथ कुछ ना रहे। ठीक है? ओके, पहला सवाल, फिसलने को क्या कहते हैं? यू कैन रेज योर हैंड्स। फिसलने को कश्मीरी में क्या कहते हैं? नहीं, जवाब मालूम है या नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। ओके, कश्मीरी पंडित कहते हैं खुरगत सिंह, खुरगत सिंह, और कश्मीरी मुसलमान कहते हैं रिकिनगत सिंह। ठीक है, रिकिनगत सिंह और कश्मीरी पंडित कहते हैं खुरगत सिंह। पिछले शो में भी मैंने आपको बताया था पानी, पानी को कश्मीरी पंडित कहते हैं पोई और कश्मीरी मुसलमान ज्यादातर कहते हैं आप। तो ऐसे हमारे बहुत लफ्ज हैं जो कश्मीरी पंडित की एक अपनी उनके लिए टर्म है और कश्मीरी मुसलमानों को की अलग टर्म है। ठीक है, पतीले को क्या कहते हैं? पतलो हाँ या आदित्य, मंझोल। ओके, या मंजोल, करेक्ट। पतीले को या तो मंजोल या पतल कहते हैं, और कश्मीरी पंडित कहते हैं बोगुल। बोगुल बो और या आपको बहुत हैरानी होगी ये जान के, यहाँ दिल्ली में भी मेरी एक टीचर भी थी, उनका सरनेम था बहुगुना। तो कहने वाले कहते हैं कि इनके रूट्स शायद कश्मीर,
क्योंकि हमारे जो कश्मीरी सरनेम्स हैं ज्यादातर वो रेट्स हैं, रेट्स उनको नाम रखे हैं हमने, तो ठीक है। और टॉवल को क्या कहते हैं दज, टॉवल, ये जिसे मुंह दज, पोछते हैं, दज गई हैंडकरचीफ, टॉवल को दज, क्या कहते तूले हैं? दज। चलो तूल, या आई विल गिव दैट टू यू, या तो तवली या तौलिया, लेकिन एक और नाम है उसको कहते हैं अंगोच। आपको पता है टॉवल को अंगोच भी कहते हैं, अंगोच दी उर बुआथराव अथ। समझ आया ये बात, लाइन समझ आई मेरी? बताओ फिर, समझ। आई टेल मी व्हाट व्हाट वाज इट? वाइप योर हैंड्स ऑफ, यू नो, विद द पास, टॉवल। आई विल वाइप माय हैंड्स, मेरी अंगोच पिलाव में बुआथराव पानी अथ। बढ़िया, गुड। अब आपका ये टेस्ट तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ बताऊंगी, क्योंकि शुरू में भी मैंने वादा किया था कि मैं आपको कश्मीर के बारे में कहानी सुनाऊंगी, और उसके बाद हम देखें कि हमारी जमीन के बारे में थोड़ा और जानेंगे। आद्या ने बात की थी हेरथ की। हेरथ मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, कश्मीरी पंडित फेस्टिवल, और मेरे ख्याल सबका ही, हमारे लिए ये दिवाली से भी बढ़कर है, तो हम हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है हेरथ। तो बहुत पहले, मान लीजिए मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर जब होंगी, उनको हम काकन देत कहते थे, तो जब उनके टाइम की अगर बात करें, तो जो त्योहारों के जो जो खाने बनते थे वो मिट्टी के बर्तनों में बनते थे, ठीक है। तो जो पॉटर होता था, जिसको कश्मीरी में त्राल कहते हैं, तो उसका बहुत अहम रोल होता था, क्योंकि वो ये मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो जब कश्मीरी पंडित फैमिली में, मान लीजिए हेरथ आने वाली हो, तो पॉटर आता था नए बर्तन लेकर, मिट्टी के बर्तन लेकर, और पॉटर जो है वो कश्मीरी मुसलमान होता था, ठीक है, पॉटरी काम में कश्मीरी मुसलमान है ज्यादातर, वो आता था। और जो घर की बड़ी होती थी, एक सेकंड, जो घर की बड़ी लेडी होती थी, जिनको बोलते थे बर्थ डेथ, या जो घर की राज बाय, ऐसे लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करते थे, तो वो उस पॉटर की आलत उतारती थी। आलत का मतलब होता है, कश्मीरी पंडित जैसे वेलकम जब करते हैं, उसको आलत उतारना कहते हैं। मान लीजिए कोई जो लेडी है, उन्होंने बेबी डिलीवर किया है, जब वो हॉस्पिटल से आती है फिर घर वापस, तो पहले उसकी आलत उतारते हैं, एक प्लेट में पानी रखते हैं। आद्या वुड नो दिस, राइट? यू मस्ट हैव सीन दिस, है ना? पानी रखते हैं, थोड़ा सा चावल रखते हैं और फूल रखते हैं, और जब वो अंदर आती है, तो उसपे वो पानी से ऐसे एक दो तीन बार, और उसपे चावल फेंकते हैं, फिर उसको बोलते हैं घर में आते हैं, उसको घर में लेकर आते हैं। उसी तरह जब कश्मीरी पंडितों का ये फेस्टिवल होता था हेरथ, और त्राल ये बर्तन लेकर आता था, तो जो घर की बड़ी औरत थी वो उसकी आलत उतारती थी, बड़ी इज्जत से उसको अपने घर में बिठाती थी, उसको खाना पीना भी खिलाते होंगे, और तब जाकर इन बर्तनों को धोया जाता था, और इन्हीं बर्तनों में पूजा का पवित्र खाना बनता था। तो देखिए, पंडित का घर था, वो इतना बड़ा फेस्टिवल था, रिलीजियस इंपॉर्टेंस थी उसकी, लेकिन बर्तन कौन बनाता था? कश्मीरी मुसलमान। सो दैट इज कश्मीर फॉर यू। ये थी एक कहानी। अब आपको एक और कुछ मैं सुनाना चाहूंगी। मेरा गला बहुत ठीक नहीं है, तो मैं पहले ही माफी मांग लूं, सुनने वालों से भी और इन लोगों से भी, हंसना नहीं है बहुत, अगर हंसी आए तो कैमरा अपनी तरफ मोड़ लेना है, ठीक है? ओके, तो मैं आपको कुछ सुनाती हूँ, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? हुमा असले महेश्वर भूत शब शाहे के मंदी दम, गजनफर चर्म दरबर बोध शब शाहे के मंदी दम, जिबस मश जामे बरतन जिनारशी मार दर गर्दन, जे बस मश जामे बरतन जिनारशी मार दर गर्दन, रवानश गंग बर सर बोध शब शाहे के मंदी दम, हुमा असले महेश्वर बोध शब शाहे के मंदी दम। बहुत शुक्रिया, कोई गलती हुई हो तो पहले ही माफी। तो मैं आप दोनों बच्चों से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगा ये मैंने क्या गाया अभी? हरिम, क्या लगा क्या गाया, जो भी दिमाग में आता है ये सुन के? कुछ बर्तन के रिलेटेड था, कुछ कुछ मैंने बर्तन बर्तन के रिलेटेड लगा, बर्तन के रिलेटेड लगा।
ओके आपको क्या लगा? मेरे दिमाग में भी बर्तन है, बिकॉज मैंने बर्तन ही सुना सो। आपको मैं बता दूं, ये पहले तो फारसी जबान थी, ठीक है, और ये एक बहुत लंबी पोएट्री है। इसके बाद इसके कुछ 5 स्टैंजास हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी पोएट्री ऑब्वियसली मैं सुना नहीं सकती थी, और मेरी प्रोनंसिएशन भी इतनी अच्छी नहीं है फारसी की। सुनने में बहुत मीठी लगती है, आई एम श्योर आपको भी मीठी लगी हो, या सुनने वालों को भी मीठी। बहुत पहले जब मुगलों का राज था कश्मीर में, हमारे एक गवर्नर हुआ करते थे अली मर्दान, ठीक है, और वो कुर्दिश थे, ईरान के थे, वो गवर्नर थे हमारे। जो चश्मे शाही बाग है ना कश्मीर में, तो वो अली मर्दान ने ही बनवाया है, ठीक है। कहने वाले कहते हैं जो अली मर्दान है, वो जब कश्मीर में थे, जब गवर्नर की शक्ल में वो कश्मीर में थे, तो वो कहते हैं कि उनको जो है लॉर्ड शिवा नजर आए थे वहां, ठीक है। तो मैंने, उन्होंने पोएट्री लिखी है, ये उसी पोएट्री में से आपके सामने मैंने थोड़ा सा गाया। और वो कहते हैं, उन्होंने इस पोएट्री में बेसिकली जब उन्होंने लॉर्ड शिवा को देखा, तो उन्होंने कहा कि, फिर वो लिखने लग गए वो कैसे दिखते हैं इनके हिसाब से। तभी वो गर्दन उनकी ऐसी गर्दन है, वैसी वो है, बर्तन नहीं है। तो वो लॉर्ड शिवा की जो अपियरेंस है उसके बारे में उन्होंने लिखा है और अपनी जज्बात जाहिर किए हैं। अब कहने का ये मतलब है, मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है, अली मर्दान कश्मीरी नहीं थे, वो ईरानी थे, गवर्नर थे, बाहर से आए थे, रूलर्स का एक हिस्सा थे। लेकिन कश्मीर जो जमीन है वो इतनी पाक और इतनी श्रूद्स, जिसे हम कहते हैं, इतनी पवित्र है, यहाँ बाहर के आने वालों को भी वहां खुदा नजर आता है। अब आप उसे किस नाम से बुलाते हैं, उसे शिवा कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये जमीन इतनी खूबसूरत है, ये जमीन इतनी पाक है कि यहाँ जो भी आता है वो दीवाना हो जाता है, उसे भगवान नजर आने लगता है, ठीक है। सो ये एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती थी। और दूसरी मैंने आपको बताई जो हेरत से रिलेटेड कहानी थी, तो ये है कश्मीर, इतना ही खूबसूरत, इतनी कम्युनल हार्मनी यहाँ होती थी, सब लोग साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, पड़ोसियों की तरह रहते थे। अब हमें हरिम ने ये भी कह दिया है कि आप हमारे पड़ोसी बन जाएं, तो मुझे और आद्या को कुछ करना पड़ेगा, बहुत जल्द इनकी कॉलोनी में जहाँ ये रहते हैं वहां कुछ इंतजाम करना पड़ेगा रहने का। और क्योंकि दोनों बच्चों ने कहा है, जो मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है वो एक इंसान की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, तो इस बात को हम याद रखेंगे, हम सब लोग, सुनने वाले भी और हमारे जो है देखने वाले भी। बड़ी खूबसूरत ये कहानी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस कश्मीर का, जो कल्चर हुआ करता था, जो मोहब्बत हुआ करती थी, उसके बारे में पता लगता है। ऐसे ही बहुत कहानियों के साथ मैं कोशिश करूंगी आपको आगे भी सुनाऊं, किसी एक एतवार को दो बच्चों के साथ। मैं चाहूंगी कि आप और लड़के इस प्रोग्राम में शिरकत करें, क्योंकि मेरे पास सिर्फ लड़कियों की एंट्रीज आती हैं, जिन पे मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। आप इन दो प्यारे बच्चों को देख सकते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, इनकी बात करने का अंदाज, ये लिखते हैं, इनकी सोच देखिए। और वक्त आ गया है आप सबसे, आप दोनों से भी इजाजत लेने का, इस लाइव सेशन को खत्म करने का। तो हमने अपना वादा निभाया है, आपको कहानी भी सुना दी, दो बच्चों की जान भी कर दी, करवा दी आपस में। हमें ऐसे ही प्यार भेजा करें, दुआएं भेजा करें, इन दो बच्चों को अपना प्यार दें। आपकी दिदा असवन कश, आप जानते हैं मेरा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे पेजेस हैं, उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसको हम आपकी मोहब्बत जानकर एक्सेप्ट करेंगे, तस्लीम करेंगे। और आप सबको बाय बाय करें, असिव बसिव दसिव, आप अपनी दिदा आपसे लेती है इजाजत। उससे पहले अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे भी इस लाइव प्रोग्राम पे आए, तो मुझे बच्चों की डिटेल्स भेजनी पड़ेंगी, उनका नाम, लोकेशन, हॉबीज, माँ बाप में से एक का फोन नंबर, लेकिन डिटेल्स भेजेंगे सिर्फ ईमेल के जरिए, info@asfunkoshal.com। सो बहुत सारे प्यार के साथ आप दोनों से बोलना चाहूंगी, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सब लोग जो थैंक हमारे साथ बने रहे, आपका शुक्रिया, बाय बाय, स्टे यू, अस ऑल यू, थैंक यू, नमस्कार, बाय 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 बाय।